उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान लगी आग का खुलासा हो गया है। आग लगने की वजह केमिकल युक्त गुलाल बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात भी सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में होली के दिन भस्म आरती के दौरान आग लग गई थी, जिससे मंदिर पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए थे। घटना को लेकर सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। गुरुवार महाकाल मंदिर हुई आगजनी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को मिल गई है। रिपोर्ट में केमिकल युक्त गुलाल के उपयोग के कारण आग लगने की बात सामने आई है। वही प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण घटना होना बताया गया है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। प्रशासन ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से लाकर के डाला गया और बाहर से लाया गया, और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश हुआ था, फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है। ये घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, क्योंकि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में जिम्मेदार जो है उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति जिम्मेदार है जिन्होंने कि ऐसा किया वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। उज्जैन से संदीप पांडला की रिपोर्ट।